हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे सांप्रदायिकता क्या होता है, सांप्रदायिकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, और सांप्रदायिकता का हमारे देश में विकास कैसे हुआ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का तो विकास कर दिया, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता के विकास के कारण भारत में समय समय पर सांप्रदायिक दंगे भी होते रहे। और जब भारत में सांप्रदायिक दंगों की बात आती है तो उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी भी हमें याद आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन का कुछ भाग और इनकी मृत्यु कैसे हुई और इनका अनमोल विचार क्या था। अब इसको समझे ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति थे, प्रेस वाले थे, जो समाचार पत्रों की छपाई करते थे, यानी कि समाचार पत्र जो है इनके द्वारा छापा जाता था। दूसरी तरफ अगर इनके बारे में थोड़ा और चीजें जाने तो 26 नवंबर 1890 में इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म हुआ था अगर देखा जाए तो आज का जो प्रयागराज है, दैट मीन्स इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है अतरसुइया। तो इलाहाबाद के अतरसुइया में इनका जन्म हुआ। और दूसरी चीज कि इन्होंने प्रताप नामक अखबार की छपाई शुरू किया था, यानी इनके द्वारा जो समाचार पत्र छापा जा रहा था उसका नाम था प्रताप, यानी प्रताप नामक अखबार जो है इनके द्वारा छापा जाना शुरू हुआ। और आपको बता दें कि ये जो समाचार पत्र में जो बातें छापते थे, जो इनके मैटर्स होते थे, ऐसे लगता था कि भारतीय क्रांति में वो जान फूंक दिया। मतलब भारत में स्पेशली जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय के दौरान इनकी जो कलम की ताकत थी, इनकी जो लेखनी थी, ये जो बातें लिखते थे, उससे क्रांतिकारियों में एक अलग जुनून आ जाता था उस चीज को पढ़कर। और ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इनके कलम में इतनी ताकत थी, ठीक है, कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती थी इनकी कलम की ताकत से। मतलब ऐसी चीजें ये लिखा करते थे। आपको बता दें कि एक बार हुआ क्या कि 25 मार्च की बात है, 1931, 25 मार्च 1931 की बात है। एज यू ऑल नो दैट कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये समय था, और भारत में एक तरफ देखा जाए तो पूरा भारत आंदोलित हो उठा था, पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ था। और दूसरे तरफ देखा जाए तो अब कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक कानपुर शहर है, वहां पे सांप्रदायिक दंगा स्टार्ट हो गया। यानी कि 25 मार्च 1931 को कानपुर में एक बहुत भयानक, ठीक है, क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगा की शुरुआत हो गई। यानी भारत में हिंदू मुस्लिम जो है आपस में लड़ने लगे, उन सांप्रदायिक दंगा में उलझ गए। लेकिन देखिए, स्पेशली अभी की बात हटाइए, हम अभी आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, और उस समय भारत के लिए जरूरी था कि हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी भाषा के, किसी भी समुदाय के लोग हो, वो एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन करें, वो भारत के लिए उस समय बहुत जरूरी था। और आंदोलन जब चल रहा है उस समय अगर कोई भी सांप्रदायिक दंगा करेगा तो सीधी सी बात है उससे भारत का जो आंदोलन है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। और ये कानपुर में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया, और इस सांप्रदायिक दंगा को शांत कराने में, ये सांप्रदायिक दंगा को गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे व्यक्ति शांत कराने के प्रयास में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। यानी शांत कराने के प्रयास में देखा जाए तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है शहीद हो गए, ठीक है। तो ये इनकी मृत्यु का इतिहास है। हम आपको बता दें कि सांप्रदायिकता को लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, आप समझे उसको। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था पूरे भारतवासियों के लिए, बिकॉज उस समय भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना जरूरी था, उस समय राष्ट्रवादी भावनाएं हमारे अंदर हमेशा प्रबल बनी रहनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम न हिंदू है न मुसलमान, मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है। यानी कि हमारा धर्म क्या है, हमारी जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है, हम उसका कल्याण करें, उसका भलाई करें, उसके कल्याण के लिए काम करें, वही हमारा धर्म है। और
आप चाहे किसी भी धार्मिक मान्यता के हो, ठीक है, जब आपकी देश संकट में है तो उस समय हमें अपने मातृभूमि के कल्याण के बारे में ही केवल सोचना होगा। तो इन्होंने कहा कि हम न हिंदू है न मुसलमान, मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है, और हमारे मातृभूमि की यानी हमारे देश की जो बाधक हैं, यानी हमारे देश के मार्ग में जो रोड़ा बने, जो समस्या बने खड़े हैं, उनका सामना करना ही हमारा कर्म है, और कुछ भी हमारा कर्म नहीं। हमारा कर्म है कि हम धर्म के नाम पे लड़ जाए, धर्म के नाम पे दंगा कर ले, ये तो हमारा कर्म नहीं है ना। हमारा कर्म है कि अपने मातृभूमि के जो बाधक है, ठीक है, जो दुश्मन है, उसकी सामना करें। चाहे वो कह रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी कह रहे हैं कि चाहे पंडित हो या मौलवी हो, चाहे धर्म हो या कर्म हो, कुछ भी हो, मातृभूमि के हित के विरुद्ध में हमें कोई भी व्यवस्था स्वीकार नहीं है। यानी देश के हित के विरुद्ध में अगर कोई भी व्यवस्था होगा तो हमें स्वीकार नहीं है। कुछ भी करो, देश के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मातृभूमि का अपराधी यानी मातृभूमि को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कुछ भी हो, किसी भी धार्मिक मान्यता का हो, कोई भी हमारे तिरस्कार और हमारी उपेक्षा से भाग नहीं सकता, कोई भी दंडित होने से बच नहीं सकता, उसको दंडित किया जाएगा। वो तिरस्कृत होगा भारत में जब मातृभूमि का विरोध जो करेगा या जो मातृभूमि का अपराधी होगा। तो इस प्रकार के उच्च विचार जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के थे। अब समझ सकते हैं, इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी लेखनी में कितनी ताकत थी। लेकिन हम लोग ऐसे महान पुरुष को सांप्रदायिक दंगे में हम लोग खो दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में ये कुछ बातें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को समझाएंगे।